हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ट्रिपल फैट आरूट। आई होप आप सभी अच्छे एंड पॉजिटिवली सोच रहे। तो जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब किया है उनका दिल से धन्यवाद, थैंक यू सो मच। रीडिंग करंट एनर्जीज में कि एक सवाल का जवाब है कि क्या उनको आपकी याद आती है तो लाइक नो अचानक से अगर आई है तो उसका कारण क्या है, अगर जानने की कोशिश करूँगी। एक रिक्वेस्टेड रीडिंग है और जो भी कमेंट में ना कुछ लोग हैं जो अपने दिल का हाल बयां कर रहे, तो अगर आप जस्ट अपना दिल का हाल लाइक ना फीलिंग्स क्लियर कर रहे हैं तो बहुत लाइक वेलकम, आप दिल खोल के करिए क्योंकि आपकी जो भी मन में जो तकलीफ है वो निकल जाएगी। बट डोंट गेट निगेटिव अबाउट दैट, क्योंकि मैं बार बार कह रही हूँ कि जो बोझा आप अगर लेके बैठ जाते हो किसी चीज़ का, किसी धोखे का, तो ये आपके लिए नुकसानदायक है। उसका जो होना है वो होगा, बट ये आपके लिए नुकसानदायक है। इसके लिए आपसे रिक्वेस्ट है कि उस बोझे को एटलीस्ट आप दिल से निकालिए, जितना हो सके कोशिश कीजिए। मैं मानती हूँ कि बहुत बहुत मतलब नामुमकिन जैसी बात है, लेकिन फिर भी कोशिश ज़रूर कीजिए क्योंकि ये आपके लिए है, आपकी ग्रोथ के लिए है, आपके आगे बढ़ने के लिए ज़रूरी है। तो रीडिंग स्टार्ट करते हैं। जब भी मैं कार्ड शफल करती हूँ तो प्लीज़ यूनिवर्स से कनेक्ट होने का कोशिश कीजिए कि जैसे आप उनसे सवाल कर रहे हो और उनसे जवाब मांग रहे हो ताकि आपको उनका आंसर मिले। सिर्फ मैं कोई अपने आप को बड़ा भी समझ नहीं रही, बस आपको किसी भी थ्रू किसी भी चीज़ से आपको इनके आंसर्स मिल जाए, बस यही बात है। फाइव ऑफ वैंड्स, टू ऑफ सोर्ड्स, नाइन ऑफ सोर्ड्स, टेन ऑफ वैंड्स, टेन ऑफ पेंटिकल्स, द एम्प्रेस, द टावर, पेज ऑफ वैंड्स, और एट ऑफ सोर्ड्स, और पेज ऑफ पेंटिकल्स। एट ऑफ पेंटिकल्स बॉटम डेक की एनर्जी है। अभी आप इन कार्ड्स को देख पा रहे हैं, आई होप आप सब कार्ड विजिबल है, राइट? तो आप इन कार्ड्स को देखिए, फाइव ऑफ वैंड्स, टू ऑफ सोर्ड्स, नाइन ऑफ सोर्ड्स, टेन ऑफ वैंड्स, एट ऑफ सोर्ड्स, द टावर, दो तीन चीज़ है, चार कार्ड्स हैं जो पॉजिटिव में आ रहे हैं और उसका मतलब मैं समझाऊंगी, लेकिन आप देख सकते हैं कि क्या ऊपर के सब कार्ड्स देख के, यू नो, ये जो पाँच छः कार्ड्स आए हैं और उनको देख के आपको क्या लगता है कि क्या ये पर्सन को आपको याद नहीं आती? कितनी एनर्जी है फाइव ऑफ वैंड्स की, आर्ग्यूमेंट्स, झगड़े फसाद और एक अलग ही कॉन्फ्लिक्ट लेवल पे चल रहे हैं। टू ऑफ सोर्ड्स, कंफ्यूजन है, डायरेक्शन मिसिंग है कि करना क्या है, और ख़ास करके इमोशनल डिसीजन, दिल और दिमाग यहाँ पे पूरी तरह जंग छिड़ी हुई है। एट ऑफ सोर्ड्स, अपने ही ख्यालों में, अपनी ही लाइक ना कोई ने किसी ने इसे ना बांध के रखा है, जकड़ के रखा है वाली एनर्जी है। तो कहीं पे टेन ऑफ वैंड्स, जिम्मेदारी, बोझा, सब चीज़ को लेके चल रहे हैं, और नाइन ऑफ सोर्ड्स, सबसे बड़ी चीज़ नाइन ऑफ सोर्ड्स। तो आप देख सकते हैं कि ये एनर्जी क्या है, इसी ये एनर्जी है। बंदा या बंदी इस तरह से रातों को जागते हैं, नाइन ऑफ सोर्ड्स पूरा मतलब एक अगर आप सोचे तो इस चीज़ में ना कहीं पे भी उनको एक जिन कार्ड की एनर्जी में पिक कर पा रही हूँ, जैसा लग रहा है कि लाइफ में उनकी ना जैसे सुकून खोया हुआ है,
रातों की नींद गायब है, कन्फ्यूजन ही कन्फ्यूजन है, कहाँ जाना है, क्या करना है. रीज़न यू नो रीज़न ये है कि ये टावर सिचुएशन आपके बीच आया हुआ टावर सिचुएशन. और ये भी हो सकता है कि पहले नहीं था, आपको ऐसे लग रहा था कि चलो इनकी लाइफ में वो आगे बढ़ गए, सब कुछ है, लेकिन अचानक से उनको आपकी याद आना शुरू हुआ है, क्योंकि द टावर सिचुएशन से वो गुजर रहे हैं. इनके लाइफ में अचानक से कुछ प्रॉब्लम्स आने लगे हैं. अभी कुछ रीजंस है जिसकी वजह से आप दोनों के बीच में टावर आया था. एक तो चीज़, आपके बीच में कोई कमिटमेंट का इशू है, कमिटमेंट का इशू था. दूसरा चीज़ था मैरिज का इशू, लाइक मैरिज कमिटमेंट. दूसरी चीज़ मुझे लगता है कि इंसान ने अगर शादी का डिसीजन है ना, आपको बिना बताए या चोरी छुपे या मतलब कैसे ना, एक मेरे ऊपर जिम्मेदारियां है, मेरे ऊपर मजबूरियां हैं, ऐसे बोल के लिया है. जो भी रीज़न से उन्होंने अलग किसी और से शादी की है या शादी करने की सोची है, ये एक रीज़न है. और कुछ केसेस में ऐसा है कि उनकी मदर स्पेशली मदर या फैमिली इश्यूज, स्पेशली मदर का इश्यूज लग रहा है कि उनकी मदर नहीं मान रही थी कि इस रिश्ते के लिए, इसकी वजह से उन्होंने कि नहीं मेरी अगर माँ नहीं मान रही है या वाइफ नहीं मान रही है, मतलब फैमिली तो दिख रहा है कि वो है, लेकिन मदर या वाइफ स्पेशली इशू है. मतलब एक स्पाउज शादी के रिश्ते में एक इन फैमिली, मतलब पेरेंट्स और स्पाउज मुझे दिख रहा है कि वो एक इशू था, कि इशू है कि ये इनकी तरफ से एक नकारा था इस रिश्ते को, वह सब चीज़ है. हालांकि शुरुआत एक नए सिरे से इन्होंने शुरू की थी या करेंगे, बट इसके लिए उनको बहुत मेहनत करनी पड़ेंगे. इनकी इच्छा है कि आपकी तरफ आए, आपकी तरफ बातें करें, आपके तरफ एक ऑफर दे, एक रिश्ता हो, वापस खूबसूरत हो, सब कुछ है. लेकिन क्या है ना, मुझे इस इंसान में अभी तक बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन की एनर्जी नज़र आ रही है कि इस टावर सिचुएशन को वो समझ नहीं पाए. भले वो आपकी दोनों के बीच में वाला टावर हो या फिर इन्होंने किसी वजह से अगर आपको धोखे में रखा हो या आपको धोखा दिया हो किसी भी रिश्ते में, लाइक पेरेंट्स के चलते किसी और से शादी की हो या खुद से ही मर्जी से किसी और से शादी की हो, सब सिचुएशन में अभी ये खुद फंसे हुए हैं. उनको एक ना अपने डिसीजन के ऊपर पछतावा है, क्योंकि उस रिलेशन में उनको जो चाहिए था वो एक इमोशनल हैप्पीनेस या फिर एक मतलब एक सोल हैप्पीनेस कहीं मिला नहीं है. लेकिन अभी इस वक्त इनकी एनर्जी ऐसे चल रही ना कि भाई किसी और को कमिटमेंट करे या आपको भी कमिटमेंट करे तो किस मुंह से करे या फिर किस बेसिस पे करे, या ऐसा लग रहा है कि ये सब छोड़ो भाई, नॉर्मल जैसी ज़िंदगी चल रही है उसे खींचो, लेकिन आपको भी पकड़ के रखना चाहेंगे कि जैसे कि चलो भाई, मतलब ये इंसान हो तो अपनी लाइफ में खुशी भी रहेगी और ज़िंदगी का ये सफ़र भी कटता रहेगा. ये बहुत लाइक में वर्कहोलिक है, अपने काम के ऊपर कॉन्सेंट्रेट है. कुछ केसेस में ऐसा ना कि फाइनेंस वॉज द प्रॉब्लम, लाइक ना करियर, उनका जो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है ना, वो एक प्रॉब्लम था इस रिश्ते में सेपरेशन की वजह, कि हमेशा बिज़ी हूँ. ये वाली चीज़ है कि भाई करियर के फोकस होना चाहिए, या उसके लिए उन्होंने इस रिश्ते को नकारा था. बट कहीं ना कहीं से लग रहा है कि कुछ तो जगह पे उनको टावर सिचुएशन फेस करना पड़ रहा है, क्योंकि लाइफ इस तरह से नहीं होती कि भाई आप एक चीज़ छोड़ दो और एक दूसरी चीज़ जस्ट पकड़ लो, इतनी भी आसान नहीं है. और कुछ चीज़ों को अपनी ज़िंदगी से पूरी तरह कट आउट करना, ये भी इतना आसान नहीं होता. तो अगर मुझे जो फील हो रहा है कि आपको उनको आपकी याद आती है कि नहीं, तो डेफिनेटली येस. लेकिन और अचानक से कारण ये है कि पहले तो अपने ना एक कुछ तो कर्मा फेस कर रहे हैं कि हो सकता है कि उनकी फाइनेंसेस, जॉब, करियर, बिजनेस में कुछ प्रॉब्लम हो, और सेकंडली उनके रिलेशनशिप में प्रॉब्लम हो, जहाँ पे वो उनको फील हो रहा है कि कहीं पे कुछ अलग ही लेवल पे चल रहा है, कि बहुत ही मिसअंडरस्टैंडिंग, बहुत ही कंट्रोलिंग इश्यूज और सब कुछ, जैसे ना एक बर्डन बन गया, एक अनुस्ता बोझा बन गया है ये रिश्ता उनके लिए. और उनको बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है कि करे तो क्या करे. उनका बहुत मन कर रहा है कि आपके पास आए, आपके साथ अच्छे पल बिताए, आपके साथ एक टाइम स्पेंड करें, सो दैट कि उनके लाइफ में जो भी प्रॉब्लम चल रही है उनसे उनको ना एक शांति मिले, सुकून मिले. बट ये सोच गलत है कि किसी, मतलब किसी का आप जैसे ना एक फ़ायदा उठाने जैसा हो रहा है, कि बस आपकी लाइफ में जो सुकून चाहिए किसी को, आप बस एक बोलते ना
कि जैसा समय ऐसा लग रहा है ना कि आप आना तो चाहते हो लेकिन किसी का और भी फायदा उठाने के लिए, कि अपनी लाइफ में शांति सुकून मिसिंग है इसके लिए आप किसी के लाइफ में आ रहे हो कि नहीं, ये गलत बात है। क्योंकि आप उनको पता है कि आप उनको बहुत सच्चे दिल से प्यार करते हो, हर तरीके से हेल्प करते हो, हो सकता है कि फाइनेंसेस की हेल्प मांगने आ जाए, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा फील हो रहा है कि टेन ऑफ पेंटिकल्स देखे, एट ऑफ पेंटिकल्स देखे, कि उनकी जॉब रिलेटेड, करियर रिलेटेड, फाइनेंसेस रिलेटेड कुछ मदद मांगने आ जाए, क्योंकि किसी भी तरह से आपकी मदद चाहिए, आपकी 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 तरफ से कुछ चाहिए। उनको लगता है कि आपके पास आने से जैसे मदद तो मिल ही जाएगी हर चीज़ से, लाइक फाइनेंस, क्योंकि पहले भी ऐसा ही हुआ है हमेशा, आप ही मतलब रुकने मनाने में आप ही मान जाते थे, मान भी जाते थे, उनको पता है उनको आपको मैनिपुलेट कैसे करना है, आपको कैसे, क्योंकि ये ऐसा नहीं है कि इंसान आपसे प्यार नहीं करते, बट ये इंसान को उस कदर की सिंसियरनेस नहीं है कि इस रिश्ते में आपको एक इमोशनल लेवल पे क्या तकलीफ हो रही है। यू नो इट्स नॉट अबाउट कि आए गए इतना आसान, लाइक ना ऑन ऑफ जैसा फील करे वो आपको, बट इतना आसान नहीं है किसी रिश्ते को, किसी इंसान को इस तरह से ट्रीट करना, या ये बात अभी तक वो समझे नहीं है, ये समझ नहीं पा रहे, या फिर समझ के भी अनजान बन रहे हैं कि अपनी सोच, लेकिन अपनी लाइफ की प्रॉब्लम्स और अपनी ही दुख दर्द उनको शायद ज़्यादा बड़ी लग रही है, ये फील हो रहा है मुझे। तो जब भी मुझे स्ट्रांगली फील हो रहा है कि ये इंसान आपकी तरफ आएंगे, कॉल मैसेज भी आएगा, और पॉसिबल है कि कोई चीज़ की डिमांड करे, कुछ चीज़ मांगे आपसे, जैसे कि स्पेशली मुझे लग रहा है कि फाइनेंसेस के बारे में कुछ तो हेल्प मांग सकते हैं, कि कुछ भी मदद जो भी जिस तरह से आप बन सके। और कुछ जगह पे मुझे फील हो रहा है कि जैसे कि एक इमोशनल की बात करते रहो, कुछ बाकी और मत बात करो, बस बात करो, तुमसे बात करनी है, मिलना है, स्पेशली यू नो लाइक फिजिकल इंटीमेसी भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं, कि मतलब जस्ट फील गुड, लाइक ना अच्छा फील करना चाहते हैं इसके लिए। तो बी केयरफुल, हर चीज़ आपकी चॉइस है, लेकिन आप देख सकते हैं कि अगर ये सोच है तो क्या हो सकता है, क्योंकि अगर किसी को कुछ चाहिए तो वो बंदा या बंदी प्रॉपर कमिटमेंट देगा, प्रॉपर सोचेगा कि भाई क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता, तो इस कदर तो कोई बिहेव नहीं करेगा। लेट्स सी कि रोमांस एंजल से क्या आ रहा है। गेटिंग टू नो ईच अदर, राइट। तो समाओ एक चीज़ चल रही है ना कि एज यू रिवील योर इनरमोस्ट सेल्फ टू ईच अदर, योर बॉन्ड डीपन्स। इनकी तरफ से जो बिहेवियर है ना वो आपको बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज कर रहा है, अभी इनका जो ये बिहेवियर है, तो वो चीज़ के ऊपर आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। मैं ऐसा नहीं कहती कि सबके साथ ये रेजोनेट हो जाएगा और सबके पार्टनर ऐसे नहीं ना वही कोई सस्पिशियस बिहेवियर लेकर, नहीं, हो सकता है कि वो कुछ कुछ और इरादे से आए, लेकिन आपको देख के, आपसे बात करके उनका इरादा भी बदल सकता है। समाओ मुझे ये भी फील हो रहा है, क्योंकि कुछ इंसान की तरफ हम जाते हैं स्पेशली उनकी एनर्जी चेंज होने के बाद, तो हम उनसे ना झूठ नहीं बोल पाते, हम उनसे कुछ उनसे धोखा नहीं कर पाते। हनीमून, एंजॉय द ब्लिस ऑफ हॉलीडे टाइम टुगेदर। समाओ मुझे जैसे फील हो रहा था, तो एक चांसेस है कि पॉसिबल है कि ये इंसान आपकी तरफ लाइक ना कोई इस ऐसी ऑफर लेके आए जहाँ पे आपको लाइक ना अकेले टाइम स्पेंड करना है, ये ऐसी बात कह सकते हैं, चांसेस हैं। और कीप एन ओपन माइंड। तो जैसे मैंने कहा कि पूरी तरह विश्वास और पूरी तरह अविश्वास दोनों भी चीज़ नहीं रखनी है। आपको पहले समझना है कि इंसान क्या बात कर रहा है, क्या नहीं बात कर रहा है, तो वो चीज़ है कि इसका मतलब ये नहीं कि अभी आ रहे तो मतलब धोखेबाज है, या नहीं आ रहे तो मतलब धोखेबाज है, या फिर आने के बाद कुछ और बात कर रहे हैं। तो जस्ट पहले तो आने दीजिए, उनकी बात सुनिए, क्या चल रहा है, क्या नहीं, क्या बात कर रहे हैं। हो सकता है कि वो इंसान कोई और बात करने आया है, लेकिन आप कुछ और समझ लें, तो वो चीज़ आप समझने की कोशिश कीजिए। एंड लेट योर फ्रेंड्स हेल्प यू।
मुझे लगता है कि आपके कनेक्शन में फ्रेंड्स के थ्रू कुछ हेल्प मिलने की चांसेस है, मतलब आपके जो म्यूचुअल फ्रेंड्स है, जो जो भी है, शायद उनकी मदद से आपकी तरफ आने की कोशिश कर सकते हैं, ये फील हो रहा है मुझे। एंड सेक्सुअलिटी अगेन वही कार्ड आया है जो मुझे फील हो रहा था कि हो सकता है कि जस्ट टू फील गुड, उनको एक पॉजिटिव एनर्जी की ज़रूरत है, इसके लिए आपसे मिलना चाहते हो, बात करना चाहते हो। सेक्सुअल फ्रीडम अगेन, थोड़ा वार्निंग मैसेज जैसा फील हो रहा है मुझे, लाइफ पर्पस और चीज द सेक्रेट वुमन। मुझे समा फील हो रहा है ना कि आपकी तरफ आने का उनका जो एक मोटिव है उनका तो क्लियर है कि कुछ समा उनका कुछ तो ऐसा लग रहा है कि अपना लेकिन अपनी मदद मांगने आ रही है कि कुछ भी आपकी तरफ से, जैसे एक तो चीज़ है कि फ़ायदा उठाने या फिर फ़ायदा उठाने, मतलब आई थिंक समटाइम कुछ लोगों के केसेस में रॉन्ग वर्ड होगा, कुछ लोगों के केसेस में सही है कि फ़ायदा उठा सकते हैं, लेकिन कुछ केसेस में ऐसा लग रहा है ना कि कुछ मदद मांगने आए हैं या कुछ चीज़ ऐसी है कि उनको जब आपसे आपसे मुलाकात होगी, आपसे बातें होगी, इस वक्त जब आपकी एनर्जी चेंज हो गई है तो बहुत ज़्यादा फर्क लगेगा और आपकी जैसे ना एक एनर्जी, एक पॉजिटिव एनर्जी लेने के लिए भी आ सकता है इंसान, तो वो एक अच्छी एनर्जी क्योंकि आपकी लव वाइब्रेशंस है ना वो इंसान को चेंज करिए, बेसिकली आपकी एक लव वाइब्रेशंस की भी उनको ज़रूरत है चेंज होने के लिए, तो वो एक है। और कुछ केसेस में अलग चीज़ है, आप समझ सकते हैं कि वो चीज़ क्या है, और फाइनेंसेस है, कुछ भी है, बट संभावना एक अलग ही अट्रैक्शन फील हो रहा है आपके लिए जो एक पुश कर रहा है कि कुछ लोग केसेस में लिटरली एक स्पिरिचुअल कनेक्शन पुश कर रहा है आपकी तरफ कि इस इंसान से आपको जुड़ना है, वाली एनर्जी है। तो ये थी रीडिंग, आई होप आपको कुछ गाइडेंस मिली हो, बहुत अलग थी बट मुझे लगा कि कुछ लोगों के लिए ना बहुत ज़्यादा एक वार्निंग मैसेजेस जैसा है या कुछ तो ऐसा है कि आपको ना ओपन माइंड रहना चाहिए कि ऐसा नहीं कि ये ऐसा है तो ऐसा ही होगा, वो ऐसा है तो वैसा ही, ना थोड़ा आप सोच समझ के, मतलब क्या हो रहा है क्या नहीं, मतलब किसी चीज़ के बेसिस पे नहीं, आप अपनी समझदारी और चीज़ के ऊपर डिसीजन लेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि कभी कभी हम लोग ओवर इमोशनल हो जाते हैं और ओवर गिविंग हो जाते हैं, को डिपेंडेंट हो जाते हैं और हम ऐसी गलतियां करते हैं कि जिसकी वजह से नुकसान हमें ही होता है, नुकसान हमें ही होता है, तो इसलिए तो लेट्स सी कि कैसा मोमेंट रहेगा। तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि ये सब किस तरह से हुआ है, क्या हुआ है, क्योंकि जो लोग कमेंट करके शेयर करता है तभी मुझे बहुत अच्छा लगता है कि जो जो गाइडेंस मिली थी यूनिवर्स की तरफ से इन कार्ड्स के ज़रिए तो वो सही थी और सब कुछ वैसे ही हुआ। तो लेट्स सी, होप फॉर द बेस्ट, और आई होप आपके सवालों का जवाब मिला हो। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स।